हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो किसी भी चीज में पीछे नहीं है। खेलों की बात करें तो हरियाणा के खिलाड़ियों की चर्चा पूरी दुनिया में है। वहीं हरियाणा में कला की भी कोई कमी नहीं है। हरियाणा के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो हरियाणा से उठकर बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्रीज में राज कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको हरियाणा के कुछ ऐसे कलाकारों के बारे में बताने वाले हैं जो हरियाणा से उठकर पंजाबी इंडस्ट्री में बना चुके हैं अपनी पहचान। नंबर एक, मनकीरत औलख। इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इंडिया में इनके लाखों करोड़ों फैंस हैं। मनकीरत औलख का जन्म 2 अक्टूबर 1990 फतेहबाद जिले के बैबुलपुर गांव में हुआ था। मनकीरत पहले कबड्डी खेला करते थे, जिससे सब उन्हें मन्नी पहलवान के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे है रेशम सिंह अनमोल। यह भी हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। यह वही रेशम सिंह अनमोल हैं जिन्होंने तेरे पिंड, प्यार करदा और बाबी थोड़ी एंडेया जैसे सुपरहिट पंजाबी गाने गाए हैं। इनका जन्म 14 नवंबर 1986 में नंबरदार भीष्म जी के घर अंबाला डिस्ट्रिक्ट के नक्तपुर गांव में हुआ है और पंजाब में इन्हें लाइव स्टेज का किंग कहा जाता है। तीसरे नंबर पे है सरा गुरपाल। ये वो हस्ती है जो हैप्पी राय कोटी के साथ कनाला गाने में थी। इनका असली नाम रचना है और सारा का जन्म 19 नवंबर 1991 में रेतिया डिस्ट्रिक्ट फतेहबाद हरियाणा में हुआ और उन्होंने अपनी पूरी स्टडी भी हरियाणा से ही की है। चौथे नंबर पे है सिमी चहल। ये बहुत से पंजाबी गानों में काम कर चुकी हैं। इनका असली नाम है सिमरप्रीत कौर चहल और इनका जन्म 9 मई 1992 अंबाला कैंट में हुआ है। पांचवें नंबर पे है मेहताब विर्क। मेहताब विर्क का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ। इन्होंने अपनी स्कूलिंग भी हरियाणा से ही पूरी की। इसी के साथ अपनी ग्रेजुएशन भी खालसा कॉलेज करनाल से ही की। इन्होंने बहुत सारे पंजाबी सुपरहिट गाने भी दिए हैं।